हेलो स्टूडेंट्स, ई विद्या वीकली करंट अफेयर सेशन में मैं विवेक सक्सेना आपका स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में बिहार में बने दो नए डिप्टी सीएम, स्मार्ट सिटी रैंकिंग, तुर्की ग्रैंड प्री और आईपीएल विनर टीम जैसे प्रश्नों को शामिल किया गया है। आइए प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से किसने 16 नवंबर 2020 को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? पहला ऑप्शन है तेजस्वी यादव, दूसरा ऑप्शन है सुशील कुमार मोदी, तीसरा ऑप्शन है चिराग पासवान और चौथा ऑप्शन है नीतीश कुमार। तो यहां पर जो विकल्प सही है वो है नीतीश कुमार। 16 नवंबर 2020 को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार ने ली है। यहां पर जो एक एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, उन्होंने सातवीं बार, कौन सी बार? सातवीं बार। कभी कभी एग्जाम्स में क्या कर सकते हैं कि नीतीश कुमार ने 16 नवंबर 2020 को कौन सी बार जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो हम क्या कह सकते हैं? सातवीं बार। ये हमें याद होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन में ये दे सकते हैं चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार और सातवीं बार। तो सातवीं बार जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो बिहार के सातवीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। और वर्ष 2000 में वो पहली बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। एक बात और क्या बता दें कि हाल ही बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे और उन चुनावों में जो है एनडीए गठबंधन ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया था। यहां हमें ये भी जानना परीक्षाओं की दृष्टि से आवश्यक है कि बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो बिहार विधानसभा में जो है वो कुल 243 सीटें हैं। बिहार विधानसभा में जो है वो 243 सीटें हैं, कुल सीटें जो है वो 243 हैं। अब किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीट मिली, तो सबसे ज्यादा जो है वो आरजेडी को जो है वो 75 सीटें मिली हैं और बीजेपी को जो है वो 74 सीट मिली और जेडीयू जनता दल यूनाइटेड इसे 43 सीट मिली और कांग्रेस को जो है वो 19 सीट मिली। ये जो आरजेडी जी है ये तेजस्वी यादव वाली है, तो सिंगल जो लार्जेस्ट पार्टी थी अगर बिना गठबंधन के बात करें तो हमें तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को 75 सीटें मिली। लेकिन चूंकि गठबंधन हुआ था चुनाव से पहले ही, तो गठबंधन में एनडीए प्लस को जो है वो एनडीए को जो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 125 सीटें प्राप्त हुई, जबकि बहुमत के लिए 122 सीटों की आवश्यकता थी। तो एनडीए गठबंधन को जो एनडीए को जो है वो 125 सीट मिली और एनडीए ने पूर्ण बहुमत पा लिया। आरजेडी प्लस को 110 जो है राष्ट्रीय जनता दल को, आरजेडी प्लस को जो है आरजेडी और अन्य सहयोगी दल को 110 सीटें प्राप्त हुई। अब यहां पर हमें यह भी जानना जरूरी है कि किस किस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या क्या है। तो आरजेडी का चुनाव चिन्ह है लालटेन, आरजेडी का चुनाव चिन्ह है लालटेन और बीजेपी का चुनाव चिन्ह हमें मालूम ही है कमल है और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार है, तो जेडीयू का जो है वो चुनाव चिन्ह है तीर और कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो है। 16 नवंबर 2020 को जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ली तो उनके साथ 14 और मंत्रियों ने शपथ ली। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या बताने जा रहा हूं कि इस बार बिहार में दो नए डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। पिछली सरकार में सुशील कुमार मोदी जो थे वो डिप्टी सीएम थे, लेकिन इस बार उन्हें मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। इस बार उप मुख्यमंत्री जो है वो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। वो दो उप मुख्यमंत्री कौन कौन हैं? उनका नाम हमें मालूम होना चाहिए, तार किशोर प्रसाद को बिहार का जो है वो उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तार किशोर प्रसाद को बनाया गया है और एक सुश्री रेणु देवी को जो है वो बिहार का
डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो बिहार के दो नए डिप्टी सीएम का नाम हमें याद रखना है, क्या क्या, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की भांति ही बिहार में दो डिप्टी सीएम बनाए हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से दो डिप्टी सीएम है? उत्तर प्रदेश में जो है एक तो डॉक्टर दिनेश शर्मा है और एक और है उत्तर प्रदेश के, एक तो डॉक्टर उत्तर प्रदेश में जो है वो डॉक्टर दिनेश शर्मा है और केशव प्रसाद मौर्य जो है वो उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम है। उत्तर प्रदेश के दोनों नाम हमने बता ही दिए और महाराष्ट्र बिहार के जो है वो तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी है। यहां पर एक बात आपको और बता दें कि बिहार का जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है, अर्थात वहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। बिहार विधानसभा में जैसा कि मैं अभी पहले बता चुका हूं कि 243 मेंबर हैं और बिहार विधान परिषद में जो है वो 75 मेंबर्स हैं। आपको एक बात बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बता दें, केवल देश के 6 राज्यों में विधान परिषद है। वह 6 राज्य कौन कौन से हैं? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और उत्तर प्रदेश। कौन कौन से 6 राज्य हुए? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश 2, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटक, पांचवा बिहार और छठा उत्तर प्रदेश। अब आते हैं क्वेश्चन। अच्छा, एक बात और आपको यहां इंपॉर्टेंट क्या रह गई कि बिहार के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान है और उन्होंने ही मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 13 नवंबर 2020 को जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो 13 नवंबर 2020 को जो स्मार्ट सिटी रैंकिंग जारी की गई उसमें अहमदाबाद को पहला स्थान मिला है। तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा अहमदाबाद। दूसरा स्थान किसे मिला है? दूसरा स्थान सूरत को मिला है। तीसरा स्थान किसे मिला है? तीसरा स्थान इंदौर को मिला है। चौथा स्थान जो है वो वाराणसी का रहा और पांचवा स्थान जो है वो आगरा का रहा है। तो स्मार्ट सिटी रैंकिंग जो 13 नवंबर 2020 को जारी की गई थी उसमें अहमदाबाद का शीर्ष स्थान रहा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन 3 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली के अवसर पर किस राज्य की लोंगेवाला चौकी पर जवानों को संबोधित किया? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो यहां पर जो सही विकल्प है वो है राजस्थान। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री देशवासियों की ओर से प्रतिवर्ष दिवाली जो है वो सेना के जवानों के साथ मनाते हैं। इस बार दिवाली जो है वो 14 नवंबर 2020 की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 नवंबर 2020 को राजस्थान के जैसलमेर के समीप लोंगेवाली चौकी पर जवानों के साथ जो है वो दिवाली मनाई और जवानों को संबोधित भी किया। यहां पर जो है हमें क्या मालूम पड़ता है कि लोंगेवाला चौकी जो है वो किसके समीप है? तो वो जैसलमेर के समीप है और कहां पर है? वो राजस्थान में है। अब एक बात क्या आती है कि वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली कहां पर मनाई थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत वर्ष अर्थात 2019 में जो है वो जम्मू कश्मीर के राजौरी में दिवाली सेना के जवानों के साथ मनाई थी। एक बात आपको और बता दें कि 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में हर्षिल गांव में दिवाली सेना के जवानों के साथ मनाई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तुर्की ग्रैंड प्री फॉर्मूला वन रेस 2020 किसने जीती है? ऑप्शन ए माइकल शुमाकर, ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन सी वाल्टेरी बोटास और ऑप्शन डी सेबेस्टियन बेटल। तो यहां पर जो तुर्की ग्रैंड प्री फॉर्मूला वन रेस जो है वो बी ऑप्शन सही है, लुइस हैमिल्टन ने जीती है और इस जीत के साथ ही उन्होंने वह 7 बार के वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। यहां पर प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो कौन सी बार बने हैं? वो 7वीं बार जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं और 7वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बनने के साथ साथ उन्होंने माइकल शुमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। लुइस हैमिल्टन ने 7वीं वर्ल्ड चैंपियन 7वीं बार बने हैं और उन्होंने माइकल शुमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इससे पहले उनके जो
सात बार जो उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन जीती है उसके वर्ष कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने जीती थी 2008 में, उसके बाद उन्होंने जीती 2014 में, फिर 2015 में, और 2017 से कंटिन्यूस वो जीतते चले आ रहे हैं, 2018, 2019 और ये अब उन्होंने 2020 में जीत ली। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो सातवीं बार जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। यहां पर एक बात और बता दें कि तुर्की ग्रैंड प्री फार्मूला वन रेस जो है वो अभी हाल ही में तुर्की का एक शहर है इस्तांबुल, उसमें आयोजित हुई थी। यहां पे हमें ये और मालूम होना चाहिए कि तुर्की की जो है वो कैपिटल क्या है। तो तुर्की की जो कैपिटल है, तुर्की की जो कैपिटल है वो अंकारा है। तुर्की की जो कैपिटल है या तुर्की की जो राजधानी है वो अंकारा है। और तुर्की की मुद्रा क्या है? तो तुर्की की मुद्रा जो है वो तुर्की लीरा है। तुर्की लीरा जो है वो तुर्की की मुद्रा है। तो ये प्रश्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तो सात बार के जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं और उन्होंने माइकल शुमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी की है। लुइस हैमिल्टन जो है वो ब्रिटेन के हैं, जबकि माइकल शुमाकर जो है वो जर्मनी के हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस की स्थिति को मनाया गया। हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस अर्थात वर्ल्ड डायबिटीज डे की स्थिति को मनाया गया। ऑप्शन ए है 14 नवंबर, ऑप्शन बी है 15 नवंबर, ऑप्शन सी है 16 नवंबर और ऑप्शन डी है 17 नवंबर। तो यहां पर जो विकल्प सही है वो है 14 नवंबर। प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस, प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस जिसे हम वर्ल्ड डायबिटीज डे भी कहते हैं, 14 नवंबर को संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। डायबिटीज के रोग से बचाव और उपचार और क्या हमारी आहार होना चाहिए, इन सब के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब वर्ष 2020 में इसकी थीम क्या रही? वर्ष 2020 में इसकी थीम जो है विश्व मधुमेह दिवस की क्या रही? वर्ष 2020 में विश्व मधुमेह दिवस की थीम रही द नर्स, द नर्स एंड डायबिटीज, क्योंकि अक्सर जो है एग्जाम्स में थीम पर आधारित क्वेश्चन, अगर हमें कोई दिवस है तो उसकी थीम भी हमें मालूम होनी चाहिए। तो विश्व मधुमेह दिवस की वर्ष 2020 की थीम द नर्स एंड डायबिटीज थी। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 10 नवंबर 2020 को खेले गए आईपीएल 13 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन ए दिल्ली कैपिटल, ऑप्शन बी मुंबई इंडियंस, ऑप्शन सी किंग्स इलेवन पंजाब और ऑप्शन डी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है बी। 10 नवंबर 2020 को खेले गए आईपीएल फाइनल का खिताब मुंबई इंडियंस की टीम ने जीता। एक बात तो यहां इंपॉर्टेंट क्या है कि आईपीएल की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग। ये 2020 संस्करण होता है क्रिकेट का और ये कौन सा खेला गया? ये आईपीएल 13 था, ये आईपीएल का 13th एडिशन था। एक और यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या हुई है कि मुंबई इंडियंस ने इसको लगातार दूसरी बार, मतलब वर्ष 2019 का भी आईपीएल का खिताब जो है वो मुंबई इंडियंस ने जीता था, लगातार दूसरी बार और कुल 5वीं बार, लगातार दूसरी बार और कुल 5वीं बार आईपीएल 13 का आईपीएल का खिताब जीता है, कुल 5वीं बार। क्योंकि प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि आईपीएल का खिताब हाल ही में मुंबई इंडियंस ने कितनी बार जीता है, कुल कितनी बार जीता है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? कुल 5वीं बार ये खिताब जीता है। अब एक बात ये आती है कि मुंबई इंडियंस विजेता रही, तो उपविजेता कौन सी टीम रही या मुंबई इंडियंस ने किस टीम को पराजित किया? तो मुंबई इंडियंस ने जो है वो दिल्ली कैपिटल को पराजित किया, तो दिल्ली कैपिटल जो है वो उपविजेता टीम रही, दिल्ली कैपिटल जो है वो उपविजेता टीम रही। दिल्ली कैपिटल्स ने
पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 156 रन बनाए। प्रत्युत्तर में मुंबई इंडियंस की टीम ने 157 रन बनाए और 5 विकेट से दिल्ली कैपिटल को पराजित किया। यहां पर हमें एक बात और जानना जरूरी है कि मुंबई इंडियंस जो है इसके कप्तान कौन थे। तो मुंबई इंडियंस के कप्तान जो थे वो रोहित शर्मा थे, और दिल्ली कैपिटल के कप्तान कौन थे, तो दिल्ली कैपिटल के कप्तान श्रेयस अय्यर थे। एक बात आपको और बता दें कि इस बार का आईपीएल जो है उसकी स्पॉन्सरशिप वीवो के भारत चीन विवाद के चलते वीवो के पास नहीं रही और ये ड्रीम इलेवन के पास रही। अब इसमें कुछ दो पुरस्कार जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो बता दें। अबकी बार जो ऑरेंज कैप है वो केएल राहुल को दी गई। ऑरेंज कैप जो है वो केएल राहुल को दी गई। सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप प्रदान की जाती है और पर्पल कैप सबसे अधिक विकेट लेने के लिए प्रदान की जाती है पूरे टूर्नामेंट में। तो पर्पल कैप जो है वो कविसो रवाडा को दी गई। ऑरेंज कैप केएल राहुल को और पर्पल कैप जो है कविसो रवाडा को प्रदान की गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। किस देश के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 11 नवंबर 2020 को निधन हो गया। ए ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी बहरीन और ऑप्शन डी यमन। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है बहरीन। बहरीन के प्रधानमंत्री, नाम जरा लंबे होते हैं उधर, बहरीन के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 11 नवंबर 2020 को निधन हो गया। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री थे। किसी देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री थे। वर्ष 1970 से 1970 से ये बहरीन के प्रधानमंत्री थे और इनका निधन जो है वो 84 वर्ष की आयु में हुआ है। अब बहरीन की कैपिटल क्या है, तो बहरीन की कैपिटल जो है राजधानी है वो मनामा है और बहरीन की करेंसी जो है, करेंसी को हम सी से डिनोट कर लेते हैं, वो बहरीनी दिनार है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। किस टीम ने महिला T20 चैलेंज कप जीता है। ऑप्शन ए सुपरनोवोज, ऑप्शन बी ट्रेल ब्लेजर्स, ऑप्शन सी वेलोसिटी और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है बी, ट्रेल ब्लेजर्स ने पहली बार महिला T20 चैलेंज कप जीता है। ये कहां आयोजित हुआ था महिला T20 चैलेंज कप, ये जो है शारजाह में आयोजित हुआ था और ये बिल्कुल वैसा ही टूर्नामेंट था जैसा कि आईपीएल है। तो इसका खिताब जो है वो पहली बार ट्रेल ब्लेजर्स ने जीता है और किसे पराजित किया, दो बार की चैंपियन सुपरनोवोज को पराजित करके ये T20 का चैलेंज कप खिताब जीता है। ट्रेल ब्लेजर्स की कप्तान कौन थी, तो ट्रेल ब्लेजर्स की कप्तान जो है वो स्मृति मंधाना थी और प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो भी प्लेयर ऑफ द मैच स्मृति मंधाना को दिया गया। और अब एक बात क्या आती है कि प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे दिया गया, प्लेयर ऑफ द सीरीज। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जो है वो राधा यादव को दिया गया। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जो है वो राधा यादव को दिया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी गुजरात
ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो यहां पर जो सही उत्तर है या सही विकल्प है वो है गुजरात। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय स्थापित किया जाएगा और इसमें जो है लगभग 11 लाख खिलौने जो है वो प्रदर्शित किए जाएंगे। और यहां पे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। एक बात आपको और बता दें कि गुजरात जो है वो रूफटॉप इंस्टॉलेशन में शीर्ष पर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया गया? ऑप्शन ए 11 नवंबर, ऑप्शन बी 12 नवंबर, ऑप्शन सी 13 नवंबर और ऑप्शन डी 14 नवंबर। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है 11 नवंबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है और ये किसके उसमें मनाया जाता है? ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। हमने क्या बताया? भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो थे वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है और मौलाना अबुल कलाम आजाद को वर्ष 1992 में जो है वो मरणोपरांत जो है वो भारत रत्न से भी सम्मानित, भारत रत्न से मौलाना अबुल कलाम आजाद को जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद को वर्ष 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ ई विद्या वीकली करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।